जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो यही है। पीछे वो जो आप देख रहे हो ना वहाँ पे, वो कोने पे, वहाँ से फोटो बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको मूर्तियाँ दिख रही होंगी, हमारे मंदिर का जो कलाकृति होती है वो दिख रही होगी, हिंदू धर्म की कलाकृति की। और एक चीज़ यहाँ के बारे में आपको बताना है कि पहले जो है ना आप मीनार के अंदर जा सकते थे। जा रहा हूँ मेहरौली मार्केट, जो कि जस्ट कुतुब मीनार के पीछे ही है। बहुत बड़ी मार्केट है, भूख लगी है, काफ़ी फेमस होटल है। कुतुब मीनार का जो नाम है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही रखा गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि एक सूफी संत जिनका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, माफ़ करना, तो उनके नाम पे, एक सूफी संत थे जिनको इल्तुतमिश बहुत मानते थे, इल्तुतमिश उनके भक्त थे, तो उनके नाम पे भी कहा जाता है, इसलिए इल्तुतमिश ने भी और ऊपर के 3 मंजिले को बनवाया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इल्तुतमिश की कब्र। पता नहीं, लेकिन यार ऐसी जगह पे थोड़ा जाने में थोड़ा डर लगता है। और असलियत में ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये इल्तुतमिश का असली कब्र नहीं है। इल्तुतमिश का असली जो कब्र है जो वो इस कब्र के जस्ट नीचे है, ऊपर में नहीं, ज़मीन के अंदर। अभी रात हो गई है तो इधर बंद हो चुका है ये। कोशिश करता हूँ जाने की। इधर से तो बंद हो चुका है, लेकिन यहीं से बस दिखा देता हूँ। ये है, जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो यही है, यही सीन। और काफ़ी ज़्यादा यार, मतलब बता नहीं सकता हूँ। पीछे वो जो आप देख रहे हो ना वहाँ पे, वो कोने पे, वहाँ से फ़ोटो बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अभी रात की वजह से बंद हो गया है, अभी एंट्री यहाँ पे बंद है अंदर जाने का। फिर आप दिन में जा सकते हो, लेकिन शाम को 5:30-6 बजे के बाद आपको अंदर जाने की एंट्री नहीं है, क्योंकि उधर कोई रहता नहीं है, थोड़ा सुनसान टाइप है, इसलिए आउट एरिया थोड़ा हो जाता है पीछे, इसीलिए। बाकी लाइटिंग जो है ना बहुत ही मस्त, क्या बोलूँ इसके बारे में, मतलब समझ में नहीं आ रहा, इतनी शानदार लाइटिंग की गई है ना यहाँ पे।
ये जो आप मेरे पीछे पूरा परिसर देख रहे हैं ना, पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है, कुवतल इस्लाम जो मस्जिद है ना, यही है। आप अगर देखो ध्यान से तो यही जो मस्जिद है 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर पूरा ये जो परिसर है ये तैयार किया गया। ऐसा नहीं कि उनको जो तोड़ा गया तो उनके जो अवशेष बचे ना, उनको ही इस्तेमाल करके ये बनाया गया। अब आपको दिखाता हूँ सामने से कि ये पहले 27 जो जैन धर्म और हिंदू धर्म के मंदिरों को बना के कैसे तोड़ के बनाया गया, तो उसका प्रूफ क्या है वो दिखाता हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको मूर्तियाँ दिख रही होंगी, हमारे मंदिर का जो कलाकृति होती है वो दिख रही होगी, हिंदू धर्म की कलाकृति की। ये आपको घंटियाँ दिख रही होंगी जो कि हमारे हिंदू धर्म में होता है। ये प्रूफ है कि ये जो है हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। और इस तरफ जो है ना, जहाँ पे अभी जाने से रोक दिया गया था, तो उस तरफ जो है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, काफ़ी अच्छा सीन उधर भी है, पार्क है उधर, लेकिन अभी वो बंद कर दिया गया है, रात में जाना वहाँ पे मना है, दिन में जा सकते हैं, सिक्योरिटी रीज़न है, तो इसलिए सॉरी वो नहीं दिखा पाया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या इधर है, लेकिन जो लाइटिंग है ना शानदार है, ये देखो, और ये कुतुब मीनार। और एक चीज़ यहाँ के बारे में आपको बताना है कि पहले जो है ना आप मीनार के अंदर जा सकते थे, लेकिन 1991 में क्या हुआ कि एक बार स्कूल का एक बच्चों का ग्रुप आया था यहाँ पे, और फॉरेनर्स भी थे, काफ़ी लोग थे, और ऊपर की तरफ लोग जा रहे थे सीढ़ियों से, तो हुआ क्या कि अचानक से लाइट जाने के कारण वहाँ पर भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मर गए, काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए, तो काफ़ी बच्चे भी थे उसमें, तो उस समय के बाद इसको बंद कर दिया गया, अंदर जाना यहाँ पे मना हो गया उस समय के बाद, तो अब आप अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन फ्यूचर में पता नहीं शायद खोल दिया जाए, लेकिन अभी का कुछ पता नहीं है। तो मीनार जो देखा जाए तो पूरा ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इस पे अरेबिक में लिखी हुई है कुछ, पूरा इस्लामिक आर्किटेक्चर है। अब बात कर लेता हूँ कि आपको कुतुब मीनार घूमना कैसे है, तो अपने हिसाब से मैं अगर बताऊँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर बोलो तो सबसे पहले आप टिकट ले लो, आप कुतुब मीनार जब पहुँचते हो सबसे पहले टिकट आपको लेना होता है, पर पर्सन टिकट जो है आपको 40 रुपये की पड़ती है इंडियन, और अगर आप फॉरेनर हो तो फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे 550 का टिकट है, तो कैश पे करोगे तो 40 रुपये की है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, डेबिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपको 35 रुपये की पड़ती है। 1 से 15 साल के बच्चों के लिए टिकट फ्री है, अंदर फ्री आ सकते हैं घूमने के लिए, और 15 साल के ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है। और सबसे पहले अगर आप घूमना स्टार्ट करो तो सबसे पहले जैसे ही आप अंदर आते हो ना ये कॉम्प्लेक्स में, तो आपको सबसे पहले कुतुब मीनार ही दिखेगा, तो सबसे पहले कुतुब मीनार को देख लो, कुतुब मीनार को विज़िट कर लो अच्छे से,
उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो अंदर। अंदर लेने अंदर एंट्री जैसे ही लोगे आपको लो स्तंभ दिखेगा, लो स्तंभ के बाद आपको कुवतल इस्लाम मस्जिद दिखेगी। लो स्तंभ जो है वो मस्जिद के परिसर में ही है, आप वहाँ जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। उसके बाद आप स्टार्ट करो, वहाँ से जाओ फिर अलाई मीनार की तरफ। अलाई मीनार आपको कुतुब मीनार के जस्ट सीधे में आपको अलाई मीनार दिखेगी, आपने वीडियो में देखा भी होगा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो रीज़न था वो मैंने बता चुका है, मैं बता चुका हूँ उसका रीज़न कि अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से एक बड़ा मीनार बनाना चाहता था एकदम जस्ट इसके सामने, इसीलिए आपको इसके सामने अलाई मीनार दिखती है। उसके बाद आप देख लो वहाँ से इल्तुतमिश की कब्र, मकबरा, वो आपको इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप वहाँ जा सकते हो। उसके बाद फिर उधर से आप जा सकते हो, वो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। उसके बाद आप उधर से होते हुए फिर पार्क है, आप पार्क में बैठ सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो, घूम सकते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्चर को देख सकते हो, वो जो आपको मंदिर का मैंने बताया वो मस्जिद में ही है, में यहाँ के परिसर में ही वो दिख जाएगा। ठीक है, फिर आप एग्ज़िट ले सकते हो, यहाँ पे बस यही है, अच्छे से आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, काफ़ी एक क्वालिटी टाइम, काफ़ी मज़ा आएगा। और सच बताओ तो लाइटिंग में तो बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप शाम के समय आओगे ना तो आप जस्ट दीवाने हो जाओगे इसके, इतनी सुंदर लाइटिंग रहती है, मज़ा आ जाता है यहाँ पे घूम के। भाई लगी है तेज की भूख, देखता हूँ कुछ अगर खाने का सामने मिले तो चलते हैं कुछ खाने के लिए। जा रहा हूँ मेहरौली मार्केट जो कि जस्ट कुतुब मीनार के पीछे ही है, आप यहाँ पे खा पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, तो दिखाता हूँ आपको भी मार्केट। बहुत बड़ी मार्केट है, जितना घूमो उतना कम है, और जैसा चांदनी चौक है ना वैसा ही एकदम बड़ा सा मेहरौली मार्केट। तो अब लगी है भूख और चलता हूँ कुछ खाने के लिए। कुतुब मीनार अगर आप आएंगे तो जस्ट 500 मीटर की दूरी पे मेहरौली मार्केट है, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं सस्ते में, और ये बहुत बड़ी मार्केट है। सेल भी लगी है, आप सस्ते दामों पर कुछ भी ख़रीद सकते हैं, और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ। हाँ, एक चीज़ और है कि मोल भाव आपको करना आना चाहिए वरना लूट जाएंगे। ऑर्डर किया है चिकन बटर मसाला और रोटी, भूख लगी है, काफ़ी फेमस होटल है, ढाबा है, ओवरराइड ढाबा, बताता हूँ कैसा टेस्ट है यहाँ का। ये सुन रहा है
भाई हो गया खाना मस्त, बटर चिकन और तंदूरी रोटी लिया था और खाना बहुत ही टेस्टी था। ये ओबराय होटल या ओबराय ढाबा सॉरी, ये मेहरौली मार्केट में है, बस स्टैंड मेहरौली बस स्टैंड के जस्ट सामने मेहरौली मार्केट है वहीं पे है और कुतुब मीनार के जस्ट 500 मीटर दूरी पे ही ये मार्केट है। एकदम आपको बहुत बढ़िया लगेगा यहाँ पे आके, आप जरूर आए। ये चांदनी चौक वाला एकदम फीलिंग आ रहा है, एकदम बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके और सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाना। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं और इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पे। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि और जय हिंद जय भारत।